हम न्यूटन कोर्स का फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि न्यूटन कोर्स के फॉर्मूला के ऊपर ही हमारे सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल और ट्रेपेजोइडल रूल जो भी है उसका बेसिस हमारा न्यूटन कोर्स फॉर्मूला है। ओके, तो मान लो मेरे पास कोई ये गिवन ग्राफ दिया गया है और हम ऐसे मानते हैं कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे हम क्या मानते हैं, वेयर एफ ऑफ एक्स टेक्स द वैल्यूज ऑफ वाई जीरो वाई वन वाई टू लाइक वाइज वाई एन, और उसकी वैल्यूज क्या है, एक्स की वैल्यूज क्या क्या होगी, एक्स जीरो प्लस एच, एक्स जीरो प्लस टू टाइम्स एच और एक्स जीरो प्लस एन टाइम एच। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम एक्स जीरो को ए मान लेते हैं और एक्स नॉट प्लस एन इंटू एच को बी मान लेते हैं, और अब हम क्या करेंगे, ए इंटू बी, यहाँ तक ये जो भी लेंथ है ना इसे हम एन सब इंटरवल्स ऑफ विड्थ एच में डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अगर मेरा एच होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स नॉट प्लस एच, यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स नॉट प्लस एच, और यहाँ क्या बनेगा प्लस, अगर एच ऐड कर दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स नॉट प्लस टू एच। ओके, लाइकवाइज यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स नॉट प्लस एन इंटू एच। ओके, अगर हम इसी फॉर्मूला को आगे और डिराइव करें तो हमारे ये यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन बनता है ना, ये हमारे यहाँ पे जो भी फॉर्मूला बनता है ना उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला। ओके, देखो ये फॉर्मूला आपको याद करने की भी नीड नहीं है, कुछ भी करने की नीड नहीं है, ये बस आपको ये दिखाने के लिए है कि यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो हमारा ट्रेपेजॉइडल रूल बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दें तो हमारा सिम्पसन्स 1/3 रूल बन जाएगा, और यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 3 रखें तो हमारा सिम्पसन्स 3/8 फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अब देखो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल मेथड। ओके, हमने यहाँ पे अभी अभी जो जनरल फॉर्मूला देखा था उसमें अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो हमारा जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। इसमें हम क्या करते हैं, मान लो मेरे पास कोई ऐसा गिवन कर्व है और अगर हम इसी कर्व को अगर अप्रोक्सीमेट कर दे और कुछ इस प्रकार का ट्रेपेजॉइडल बना दे तो हमारा ये शेप कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरह। ओके, इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं ना। ओके, और ट्रेपेजियम को ही अमेरिकन लैंग्वेज में ट्रेपेजॉइडल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्रेपेजॉइडल रूल। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो भी हमारा गिवन कर्व है जो ए टू बी वेरी कर रहा है तो उसी को हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट ट्रेपेजियम बनाएंगे और उसके एरिया कर्व जो भी होगा वही हमारा मतलब शेडेड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब मान लो यहाँ पे सिंपल हमारा वही कर्व है लेकिन यहाँ पे अगर हम 1, 2, 3 और 4 चार पॉइंट्स की मदद से अगर हम इसी कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकालें। ओके, तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक ट्रेपेजॉइडल बना देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक ट्रेपेजॉइडल बना देंगे और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेपेजॉइडल बना देंगे। ओ, इसकी यहाँ पे हमारा जो ट्रेपेजॉइडल बना उसे हम ट्रेपेजॉइड नंबर 1 बोलते हैं, यहाँ पे हमारा जो भी ट्रेपेजॉइडल बना उसे हम ट्रेपेजॉइड नंबर 2 बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा जो भी ट्रेपेजॉइड बना है उसे हम ट्रेपेजॉइड नंबर 3 बोलते हैं। अब देखो शेडेड एरिया का मतलब क्या होगा, मतलब अगर मैं इस पूरी एरिया को हाईलाइट कर दूं तो यहाँ पे मेरे टोटल शेडेड एरिया कितने बन गए, 3 बन गए ना, और अगर मुझे पूरे इस कर्व के एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ एरिया ऑफ 3 ट्रेपेजियम्स करना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एरिया अंडर द टोटल कर्व। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे भी आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे भी हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे भी हमारे अलग अलग शेप के ट्रेपेजियम्स बन रहे हैं। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे जिस भी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे हमारे ट्रेपेजियम्स बन रहे हैं ना, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। ओके, अब देखो यहाँ तक तो हमने कंसेप्ट देख लिया, अब हम देखते हैं कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। देखो आपको ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से रिमेंबर करनी है, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालते हैं, एच बाय टू इन ब्रैकेट वाई जीरो प्लस टू टाइम्स वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री लाइकवाइज प्लस वाई इंटू एन। ओके, ये हमारा
ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला बन जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे h का मतलब क्या होता है, h इज इक्वल टू b माइनस a डिवाइडेड बाई 2। ओके देखो b माइनस a बाई 2 इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने जो भी हमारा फर्स्ट ट्रेपेजॉइडल था उसकी जो भी लेंथ थी वो हम कैसे निकालेंगे, b माइनस a। ओके यहाँ पे बाई 2 नहीं आएगा, ओके यहाँ पे h बाई 2 होता है। तो देखो h की वैल्यू क्या बन गई, b माइनस a। लेकिन देखो अगर आप इस फॉर्मूला को देखोगे तो ये फॉर्मूला दिखने में तो मुश्किल लगता है ना। अब मैं आपको इसको मेमोराइज करने की सिंपल से ट्रिक बताता हूँ। जब भी आप वर्ड ट्रेपेजॉइडल सुनोगे ना तो आपको एक नंबर याद रखना है और वो नंबर क्या है, 1 2 1। ओके अब देखो आपको 1 2 1 नंबर ही क्यों याद रखना है, ट्रेपेजॉइडल रूल आपको अगर कोई पूछता है तो आपको नंबर याद रखना है 1 2 1। ओके तो ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच बाई टू इंटू यहाँ पे लिख दो 1 2 और 1। ओके और देखो 1 इंटू फर्स्ट टर्म हमारी वाई जीरो होती है, उसके बाद हमारी जो भी टर्म्स आती है वो हम इंटू 2 कर देंगे और हमारी जो लास्ट टर्म होती है उसे हम इंटू 1 कर देंगे। ओके ऐसे करने से ही हमें ट्रेपेजॉइडल रूल बन जाएगा। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गई क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपको क्या करना है, 1 2 1 इस नंबर को याद करना है। जब भी ट्रेपेजॉइडल के ऊपर के हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको 1 2 1 ये नंबर याद आना चाहिए। तो 1 2 1 नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, 1 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस ये लास्ट वाला 1 है ना वो इंटू हमारी लास्ट टर्म, हमारी फर्स्ट टर्म वाई जीरो होती है और हमारी लास्ट टर्म वाई इंटू एन होती है। ओके वाई सफिक्स एन होती है और हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये दोनों टर्म को छोड़ के जो भी हमारी टर्म्स होते हैं उन्हें इंटू 2 कर देंगे। ओके देखो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, जब हम इसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन्स 1/3 रूल। ओके हमने अभी ट्रेपेजॉइडल रूल देख लिया, अब हम देखते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। देखो हमने जो जनरल फॉर्मूला देखा था उसमें अगर हम n की वैल्यू 2 रख दें, अगर हम जनरल फॉर्मूला n इज इक्वल टू 2 पुट कर दें तो हमारे पास जो भी इक्वेशन बनेगा उसी फॉर्मूला को हम कहते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। ओके यहाँ पे भी हम कुछ उसी प्रकार की स्टेप्स करते हैं हमने ट्रेपेजियम रूल में की थी, लेकिन यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने जो भी सब इंटरवल्स बनाए हैं उसकी लेंथ मतलब उन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो एच ही होगा। ओके यहाँ पे भी एच ही है और यहाँ पे भी एच ही है, इसी का मतलब क्या हुआ, एक्स जीरो टू एक्स वन जो भी मेरा डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस मेरा एक्स वन टू एक्स टू वही होगा। ओके उसी बात को हमने यहाँ पे एक नोट बना के दी है, इट रिक्वायर्स द डिविजन्स ऑफ द होल रेंज इंटू एन इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ऑफ विड्थ एच। ओके यहाँ पे हमारे जो भी सब इंटरवल्स बन जाते हैं वो इक्वल विड्थ के होते हैं। ओके अब देखो सिम्पसन्स 1/3 जो रूल है हमारा उसके फॉर्मूला को मेमोराइज करने को आपको एक सिंपल सा नंबर याद रखना है और वो नंबर क्या है, 1 4 2 1। ओके अब देखो 1 4 2 1 इस नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, 1 into 1 4 2 1 1 इंटू फर्स्ट टर्म। ओके और ये यहाँ पे जो भी देखो जो भी फर्स्ट वाला नंबर है हमारा वो फर्स्ट टर्म बन जाता है, जो भी हमारा लास्ट वाला नंबर है वो हमारा लास्ट टर्म बन जाता है। ओके और यहाँ पे फर्स्ट टर्म के बाद हमारा जो भी 4 है ना तो 4 के साथ हमारी सब और टर्म्स आ जाती है और यहाँ पे हमारा जो 2 नंबर है ना उसके साथ हम सब U1 टर्म्स को ऐड कर देते हैं। ओके तो देखो h बाई 3 यहाँ पे नाम में ही ना सिम्पसन 1/3 रूल तो हम यहाँ पे h बाई 3 कर देंगे। ओके इसके बाद देखो 1 4 2 1 तो 1 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 4 इंटू सब ऑड टर्म्स प्लस 2 इंटू इवन टर्म्स प्लस 1 इंटू लास्ट टर्म। ओके तो आप मुझे ये बताओ आपको ये फॉर्मूला समझ में आया या नहीं आया।
देखो ए वन का मतलब क्या है, वाई वन, वाई थ्री, वाई फाइव और वाई सेवन, ओके, वाई वन, वाई थ्री, वाई फाइव, वाई सेवन, ये सब ऑड टर्म्स है ना, तो यहाँ पे फोर इंटू हम ऑड टर्म्स कर देंगे। और यहाँ पे देखो वाई टू, वाई फोर, वाई सिक्स, वाई एट, ये सब इवन टर्म्स है ना, इसलिए हम इसे इंटू टू कर देंगे। तेज राम देखो, अगर आपको यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही ना, तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तब ये वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर हम कैसे लेते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपको बस देखो ट्रेपेजियम रूल के ऊपर जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको वन टू वन ये नंबर को याद रखना है। जब भी हमें सिम्पसन्स वन थर्ड रूल पूछा जाता है तब आपको वन फोर टू वन ये नंबर याद रखना है। ओके, अब देखो, अब हम देखते हैं सिम्पसन्स वन थर्ड रूल तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं सिम्पसन्स थ्री बाई एट रूल। इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारा जनरल फार्मूला देखा था हमने, उसमें अगर हम एन की वैल्यू थ्री पुट कर दे तो हमारा जो भी फार्मूला बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिम्पसन्स थ्री बाई एट रूल। अब देखो सिम्पसन्स थ्री बाई एट रूल, ये जब भी हमें पूछा जाता है तब हमें क्या करना है, हमें एक नंबर याद रखना है और वो नंबर क्या है, वन थ्री टू वन। ओके, अब देखो वन का मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे फर्स्ट नंबर है ना, तो ये फर्स्ट वाले टर्म के लिए होगा, जो हमारा लास्ट वाला नंबर है ना वो हमारा लास्ट वाले टर्म के लिए यूज़ होगा। ओके, और देखो यहाँ पे थ्री और टू का सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसके पहले मैं आपको एक छोटे से कंसेप्ट बताता हूँ। सिम्पसन्स थ्री बाई एट रूल हमारा जो भी है वो सिम्पसन्स वन बाई थ्री के एक्यूरेसी के हिसाब से प्रॉपर नहीं है। ओके, इसलिए हम ऐसे बोलते हैं कि सिम्पसन्स थ्री बाई एट रूल इज़ नॉट एक्यूरेट एज सिम्पसन्स रूल। ओके, अब देखो, और हम जब भी सिम्पसन्स थ्री बाई रूल अप्लाई करते हैं तब हम क्या करते हैं, हमने सिम्पसन्स वन बाई थ्री रूल में क्या किया था, जो भी हमारे सब इंटरवल्स लिए थे हमने, उनने हमें एच एच मतलब इक्वल नंबर ऑफ सब इंटरवल्स लिए थे। लेकिन जब भी हम सिम्पसन्स थ्री बाई एट रूल अप्लाई करेंगे तब हम क्या करेंगे, जो भी हम सब इंटरवल्स लेंगे उसे मल्टीपल ऑफ थ्री में लेंगे। ओके, अब देखो जो भी हमारे यहाँ पे वन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म, या इस वन का मतलब क्या हुआ, लास्ट टर्म, इंटू थ्री, इस थ्री का मतलब क्या है, जो भी हमारी थ्री से डिविजिबल होने वाली टर्म नहीं है, थ्री से डिविजिबल होने वाली टर्म नहीं है उसे हम इंटू थ्री कर देंगे। मतलब ही क्या, वाई वन, वाई टू, वाई फोर, वाई फाइव। ओके, मतलब हमने यहाँ पे वाई थ्री नहीं लिया, हमने यहाँ पे वाई सिक्स नहीं लिया। ओके, देखो सिंपल भाषा में बताता हूँ, यहाँ पे हमारा जो भी सेकंड वाली टर्म है अगर वो थ्री का मल्टीपल होगा तो हम उसे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ही वाई थ्री, वाई सिक्स, वाई नाइन, अगर ऐसी टर्म हमारी आती है तो हम उसे टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और हमारी फर्स्ट और लास्ट टर्म छोड़ के और जो भी थ्री से डिवाइड नहीं होती उस टर्म को छोड़ के जो भी हमारी टर्म्स होगी, मतलब ही वाई वन, वाई टू, वाई फोर, वाई फाइव, इन टर्म्स को हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब बताओ ये फॉर्मूला आपको समझ में आया या नहीं आया। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, देखो सिम्पसन्स थ्री बाई एट रूल होगा तो आपको कौन सा नंबर याद करना है, वन थ्री टू वन। ओके, और देखो यहाँ पे थ्री एच अपॉन एट आया, तो ये नाम में सब कुछ है ना, सिम्पसन्स थ्री बाई एट रूल, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थ्री इंटू एच बाई एट। ओके, यहाँ तक तो आपको सब बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, वन थ्री टू वन, वन थ्री टू वन, तो फर्स्ट वाली टर्म को फर्स्ट टू वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हमारा लास्ट वाला नंबर है उसे लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जो हमारी टू की टर्म है उसे हमें वाई थ्री, वाई सिक्स, मतलब जो भी थ्री के मल्टीपल में जो भी हमारी टर्म्स आती है उन टर्म्स को हमें टू से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे जो भी हमारी अब टर्म्स बच गई, मतलब वाई वन, वाई टू, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सेवन, वाई एट, इन टर्म्स को हमें थ्री से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब देखो या तो हमने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देखी, अब हम एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्विंग की वीडियोज़ देखते हैं जिससे आपको और आइडिया आ जाएगी। देखो हमारे क्वेश्चन नंबर वन में हमें क्या बोला गया है,
द टेबल बिलो गिव्स वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑब्टेन फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स एट इंटरवल्स ऑफ 0.25। ओके, तो यहाँ पे इंटरवल्स ऑफ 0.25, इसी का मतलब क्या हुआ, हमारी एच की वैल्यू 0.25 दी गई है। ओके, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे इंटरवल्स ऐसे बना दूँ तो यहाँ पे हमारा जो भी इंटरवल्स की वैल्यू होती है वही एच की वैल्यू बन जाती है ना। ओके, अब देखो हमें एक्स की वैल्यू दी गई है और हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है और हमें नीचे क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन बिटवीन लिमिट्स 0 to 1। ओके, तो हमें 0 to 1 के बीच में इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। ओके, यूजिंग सिम्पसन्स रूल इज, ओके, तो हमें यहाँ पे सिर्फ सिम्पसन्स रूल पूछा गया है ना, तो इसी का मतलब क्या हुआ, सिम्पसन्स 1/3 रूल को हमें यूज करना है। ओके, और देखो ज़्यादातर हमें जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो सिम्पसन्स 1/3 रूल के ऊपर ही पूछे जाते हैं। और देखो जैसे हमने देखा था कि सिम्पसन्स 1/3 रूल होगा तो उसे हम कैसे याद करते हैं, 1, 4, 2, 1। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस, देखो यहाँ पे जो भी हमारी टर्म आएगी इसे हम y0 बोलते हैं, इसके बाद y1, इसके बाद y2, इसके बाद y3 और इसके बाद y4। ओके, तो हम क्या करेंगे, 1 × y0 प्लस 4 × इस 4 का सिग्निफिकेंस क्या था, ऑड टर्म्स, तो ऑड टर्म्स कौन कौन सी है, y1 और y3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.9412 प्लस y1 तो हो गया और यहाँ पे y3 प्लस 0.63 प्लस 2 का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इवन टर्म्स, तो हमारे यहाँ पे इवन टर्म्स कौन कौन सी है, y2 और y4, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ y2 की टर्म लेनी पड़ेगी क्योंकि y4 तो हमारी लास्ट टर्म है ना, तो वो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ओके, अब बताओ आपको यहाँ तक हमने जो भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया वो समझ में आया या नहीं आया। क्या आपको हमने यहाँ पे जो भी वैल्यूज लिखी वो बात क्लियर हुई या नहीं हुई, हमें कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, देखो हमारा सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिम्पसन्स 1/3 रूल ना, तो इसी का मतलब क्या हुआ, h/3, क्योंकि यहाँ पे 1/3 था ना, तो हमने यहाँ पे h/3 लिख दिया और हमने क्या देखा था, हमें नंबर कौन सा याद करना है, 1, 4, 2, 1। ओके, तो 1 × फर्स्ट टर्म और हमारा जो लास्ट वाला था उसका सिग्निफिकेंस क्या है, 1 × लास्ट टर्म। ओके, और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, हमारी y4 ना, तो यहाँ पे हमारा y4 बन जाएगा। अब देखो 4, तो 4 का मतलब क्या होता है, ऑड टर्म्स। ओके, और यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, 2 × इवन टर्म्स। ओके, और इस 1 का मतलब क्या था, जो हमारी लास्ट टर्म थी वो, तो देखो 1 × y0, y0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 × 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो प्लस 4 × ऑड टर्म्स, तो इस इक्वेशन में हमारी ऑड टर्म्स कौन कौन सी है, y1 और y3, यही हमारी ऑड टर्म्स है ना, तो उन दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया और उसे 4 से मल्टीप्लाई करना है तो वो भी कर दिया। प्लस 2 × इवन टर्म्स, तो हमारी यहाँ पे इवन टर्म कौन कौन सी है, y2 और y4। ओके, लेकिन देखो अगर हम इसे y4 को अगर हम यहाँ पे लिख दें तो लास्ट टर्म तो कोई बचेगी ही नहीं ना, इसीलिए हमने क्या किया, हमारी लास्ट टर्म जो 0.50 थी ना उसे हमने 1 × यहाँ पे लिख दिया, तो हमारी यहाँ पे सिर्फ इवन टर्म कौन सी बची, बस y2 की ही बची ना, तो उसे हमने 2 × 0.8 कर दिया। अब आपको ये बात समझ में आई, अब देखो इस फॉर्मूले में हमें h की वैल्यू क्या दी गई है, 0.25। देखो h/3 1 × फर्स्ट टर्म प्लस 4 × ऑड टर्म्स, क्या क्या है, y1 प्लस y3 प्लस 2 × इवन टर्म्स, वो आ गए y2 प्लस 1 × लास्ट टर्म, वो y4 है। अब देखो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है, 0.25 अपॉन 3,
इंटू वन इंटू वाई जीरो, तो वाई जीरो की वैल्यू क्या है 1 प्लस 4 टाइम्स वाई वन प्लस वाई थ्री, वाई वन की वैल्यू क्या है 0.9412 प्लस वाई थ्री की वैल्यू क्या है 0.64 प्लस 2 इंटू वाई टू, वाई टू की वैल्यू क्या है 0.8 प्लस 1 इंटू वाई फोर, वाई फोर की वैल्यू क्या है 0.5। ओके अगर आप इसे सॉल्व करो तो इसका आपका आंसर क्या बन जाएगा 0.78। ओके इसका आंसर हमारा 0.78 बन जाएगा, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। ओके अब आपको समझ गया आ गया ना कि सिम्पसन्स वन थर्ड रूल अगर हमें पूछा जाए तो हमें 1421 इस नंबर को याद करके हम कैसे फॉर्मूला को आसान भाषा में समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू को। देखो क्वेश्चन नंबर टू में हमें क्या बोला गया है, इवेल्यूएट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x dx फ्रॉम लिमिट्स 0 to 1 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल एंड सिम्पसन्स रूल। ओके तो हमें ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन्स रूल यूज करके इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी गई है, उसका आंसर हम जो भी निकालेंगे वो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमें निकालना पड़ेगा। ओके अब देखो हमारे पास y, इसे हम एफ ऑफ एक्स बोलते हैं। ओके और हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 1/1 + x और यहाँ पे क्या बोला गया है टेक h इज इक्वल टू 0.5। ओके तो हमें जो भी सब इंटरवल्स की वैल्यू लेनी है वो 0.5 लेनी है। ओके अब देखो हमारा लिमिट्स क्या है 0 to 1 है, लेकिन हमारा h की वैल्यू क्या है 0.5। तो देखो सबसे पहले हमारा लिमिट यहाँ पे 0 आ जाएगा, सबसे पहले x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इस 0 में अगर h की एडिशन कर दूँ मतलब 0 + 0.5 तो यहाँ पे क्या बनेगा 0.5 बनेगा ना, तो x की वैल्यू एक बार 0 आएगी उसके बाद 0.5 आएगी। अब इस 0.5 में मैं और एक बार h की एडिशन कर दूँ तो क्या बनेगा 0.5 + 0.5 मतलब यहाँ पे 1.0 बन जाएगा। ओके अब मुझे बताओ कि आपको ये x की वैल्यू हमने जैसे लिखी है यहाँ पे सब इंटरवल्स की वैल्यू यूज़ करके 0.5 की वैल्यू यूज़ करके क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। क्या वीडियो है आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन ठीक से विजिबल है ना? विद्यासागर चौहान क्या अब आपको वीडियो क्लियर दिख रहा है? विद्यासागर चौहान आप एक काम करो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दो मतलब 360 या उसके ऊपर कर दो। ओके ठीक है अब देखो आपको x की वैल्यूज तो समझ में आ गई ना। हमने यहाँ पे क्या किया हमारे पास मान लो कि कोई ऐसा फंक्शन है जो जीरो जिसकी वैल्यू क्या है x की 0 to 1 मान लो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है और हमें क्या बोला h की वैल्यू 0.5 लो मतलब क्या हमें इस कर्व का जो भी वैल्यूज है उसे सब इंटरवल्स में ट्रेपेजियम बनाना है। तो देखो 0 में अगर मैं 0.5 ऐड कर दूँ तो यहाँ पे 0.5 बन जाएगा ना, इसी का मतलब यहाँ पे मेरा ट्रेपेजियम नंबर 1 बन जाएगा और यहाँ पे मेरा ट्रेपेजियम नंबर 2 बन जाएगा। इसी का मतलब क्या किया हमने यहाँ पे h और h इन दोनों वैल्यूज को यूज करके x की वैल्यूज बना दी। ओके अब देखो अगर मेरे पास x की वैल्यू 0 है तो मेरी f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इस f ऑफ x के फंक्शन में x की वैल्यू 0 रख दूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा 1/1 + 0 मतलब ही 1। ओके अब देखो 1/1 + 0.5 मतलब ही क्या होगा 1/3/2 मतलब ही क्या 2/3 और 2/3 की वैल्यू क्या बन जाती है 0.667। ओके अब देखो अगर मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 पुट कर दूँ तो ये क्या बनेगा 1/1 + 2 मतलब ही क्या होगा 1/1 + 1 मतलब ही 1/2 तो यहाँ पे 0.5 बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई?
हमने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का जो भी टेबल बनाया और एक्स का टेबल बनाया, अब ये बताओ आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, देखो एफ ऑफ एक्स का हमारा फंक्शन क्या है, 1/1 + x, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है ना, इसी का मतलब क्या हुआ, x के वैल्यूज के ऊपर ही मेरा ये फंक्शन डिपेंड करता है। अब देखो x का हमारा सबसे पहले वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख दे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1/1 + 0, मतलब ही क्या 1/1, मतलब ही 1, तो x इक्वल टू 0 पे मेरा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 0.5 रख दूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1/1 + 0.5, मतलब 1/1.5, तो वो क्या बनेगा, 2/3, और 2/3 की वैल्यू क्या होती है, 0.667। ओके, इसके बाद देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूँ, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रख दूँ तो ये क्या बनेगा, 1/1 + 1, मतलब ही 1/2, और 1/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.5। ओके, अब बताओ, अब आपको तो ये क्लियर हो गया होगा ना। अब देखो हमें सबसे पहले ट्रैपेज़ॉइडल रूल को यूज़ करना है, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि ट्रैपेज़ॉइडल रूल के ऊपर हमें जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें कौन सा नंबर याद करना है, 1, 2 और 1। ओके, तो इसका सॉल्यूशन मेरा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, h/2 इन ब्रैकेट 1 × फर्स्ट टर्म, देखो इसी को हम y0 बोलते हैं, इसी को y1 और इसी को y2। देखो आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, जो हमारे x की सबसे पहले जो भी वैल्यू होती है उसके एफ ऑफ एक्स को ही हम सबसे पहले y0 बोलते हैं, उसके बाद y1 और उसके बाद y2। ओके, तो यहाँ पे हमारी 1 × फर्स्ट टर्म, तो 1 × y0, मतलब ही मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1 × y0 + 2 × ये वाली टर्म y1 प्लस 1 × लास्ट वाली टर्म। ओके, और हमारे लास्ट वाली टर्म यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे y2 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे h की वैल्यू क्या दी गई है, 0.5, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0.5/2 1 × एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, y0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 2 × y1 की वैल्यू क्या है, 0.667, प्लस 1 × y2 की वैल्यू क्या है, 0.5। ओके, आपको यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक तो आपको सब बातें समझ में आ गई ना। ओके, तो आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो इसका 0.7084। ओके, अब देखो हमने ट्रैपेज़ॉइडल रूल से तो इसकी वैल्यू निकाल दी जो 0.7084 आई। अब हमें क्या करना है, हमें इसी क्वेश्चन को सिम्पसन्स रूल को यूज करके सॉल्व करना है। तो देखो जैसे कि हमने आपको बताया था सिम्पसन्स 1/3 रूल में हम क्या करते हैं, हमको कौन सा नंबर याद करना है, 1, 4, 2, 1। ओके, देखो यहाँ पे सिर्फ सिम्पसन्स रूल बना है ना, तो सिम्पसन्स रूल का ही मतलब क्या होता है, सिम्पसन्स 1/3 रूल। जब तक आपको क्लियरली मेंशन नहीं किया हो कि सिम्पसन 3/8 रूल यूज़ करना है तब तक आप 3/8 रूल को यूज़ नहीं करोगे। ओके, और ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको सिर्फ सिम्पसन 1/3 रूल का यूज़ करना पड़ेगा, सिम्पसन 3/8 रूल के ऊपर आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ओके, अब देखो सिम्पसन 1/3 रूल को ही हम कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1/3 है ना, तो यहाँ पे 1/3 × h, और देखो यहाँ पे 1 × फर्स्ट टर्म, मतलब 1 × हमारी यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, y0, तो 1 × y0 प्लस 4 टाइम्स क्या होता है हमारे ऑड टर्म्स। ओके, और हमारी यहाँ पे ऑड टर्म्स क्या क्या है, सिर्फ y1 ही है ना, प्लस 2 ×
इवन टर्म्स, लेकिन हमारी इवन टर्म्स तो यहाँ पे कोई नहीं है। अगर आप y2 यहाँ पे रख दोगे तो आप गलती करोगे, क्योंकि y2 हमारे यहाँ पे लास्ट टर्म है। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारी इवन टर्म कोई भी नहीं आएगी, प्लस वन इंटू लास्ट टर्म। ओके, हमने इसको यहाँ पे फॉर्मूला में बना दिया। अब देखो वाई एन का ही मतलब यहाँ पे क्या है, वाई टू है, क्योंकि लास्ट टर्म हमारी वाई टू है। अब देखो अगर मैं इस फंक्शन में 1/3 इंटू एच की वैल्यू क्या है 0.5, मतलब भी इंटू 1/2, प्लस 1 इंटू वाई जीरो, वाई जीरो की वैल्यू क्या है 1, प्लस 4 इंटू ऑड टर्म, ऑड टर्म तो हमारे सिर्फ यहाँ पे वाई वन ही है ना, तो वाई वन की वैल्यू क्या है 0.667, मतलब ही 2/3, प्लस 1 इंटू वाई टू, वाई टू की वैल्यू क्या है 0.5, मतलब ही 1/2। ओके, अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा 0.6945। अब बताओ आपको यहाँ तक बातें समझ में आई या नहीं आई। ओके, अब देखो जब हमने ट्रेपेजॉइडल रूल को यूज़ किया तब हमारी वैल्यू क्या आई थी 0.7084, और जब हमने सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज़ किया तब इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी क्या आई 0.6945। सिम्पसन्स 1/3 रूल को जब हमने यूज़ किया तब हमारी आंसर क्या आया था 0.6945। ओके, अब देखो यहाँ पे 0.7084 आया और यहाँ पे 0.6945 आया, तो देखो इन दोनों में तो थोड़ा सा डिफरेंस है ना। मतलब ही क्या हुआ, हम जब न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं तब कुछ ना कुछ तो एरर इंड्यूस ही हो जाता है ना, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें ये देखना है कि ट्रेपेजॉइडल रूल या फिर सिम्पसन्स रूल इन दोनों में से सबसे एक्यूरेट कौन सा होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हमारे यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन दिया है उसे एक्चुअल में सॉल्व करके देखेंगे। हमारे यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है फ्रॉम 0 to 1, 1/1 + x dx। अगर हम इस फंक्शन को सॉल्व करें तो 1/1 + x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ 1 + x। ओके, और इसके लिमिट्स क्या बनेंगे 0 to 1, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, लॉग ऑफ 1 + 1 मतलब 2, प्लस लॉग ऑफ 1। ओके, अब देखो लॉग ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है 0.6931, ये आप कैलकुलेटर में चेक कर लो, लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है क्योंकि यहाँ पे बेस e है। ओके, अब देखो हमने जब एक्चुअल में इसे सॉल्व किया तब हमारा आंसर क्या आया 0.6931, मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 0.6931। ओके, ट्रेपेजॉइडल रूल से हमारी ये वैल्यू आई और सिम्पसन्स रूल से हमारी ये वैल्यू आई, तो इसका मतलब आप ही मुझे बताओ कि सबसे एक्यूरेट कौन सा है, ट्रेपेजॉइडल रूल है या फिर सिम्पसन्स रूल है। देखो 0.6931 के सबसे पास में कौन है, ये ना 0.6945, तो इसी का मतलब क्या हुआ, सिम्पसन्स रूल हमारा ज़्यादा एक्यूरेट है। ओके, गेट एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि हमें डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था और सिर्फ बाद में ऑप्शंस दिए थे कि ट्रेपेजॉइडल रूल की ज़्यादा एक्यूरेसी होगी या सिम्पसन्स रूल की ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। लेकिन आपको अगर इसके बारे में अच्छे से आइडिया होगा तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी आप डायरेक्टली बोल सकते हो ना कि सिम्पसन्स 1/3 की रूल की एक्यूरेसी ट्रेपेजॉइडल रूल से ज़्यादा होगी। ओके, यहाँ तक तो सब बातें क्लियर हो गई ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को क्या आप सॉल्व कर सकते हो, आप खुद से एक बार ट्राई करके देखो। आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो x और
एफ ऑफ एक्स का टेबल बनाना था। तो देखो एक्स का यहाँ पे लिमिट क्या है, 1 to 3, मतलब आप ऐसे बना सकते हो ना, 1 to 3 हमें करना है। और यहाँ पे क्या बोला है, अप टू इक्वल सब इंटरवल्स ऑफ ईच ऑफ लेंथ 1। तो इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरी एच की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो देखो 1 + 1 2 और 2 + 1 3, इसी का मतलब क्या हुआ, हमारा यहाँ पे 2 सब इंटरवल्स बन गए। और हमें यहाँ पे क्या बोला गया था, बाई यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल ऑन 2 इक्वल सब इंटरवल्स। तो हमें यहाँ पे 2 इक्वल सब इंटरवल्स तो बन गए ना, ओके। तो मेरी यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 1, 2 और 3। और देखो हमारे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1/x, क्योंकि यहाँ पे 1/x दिया गया है ना। तो हमारे यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँ तो 1/1 क्या होगा, 1 ही होगा। अगर अब मैं x की वैल्यू 2 रखूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1/2, मतलब 0.5। और अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 3 रखूँ तो 1/3, मतलब ही 0.333, ओके। यहाँ तक तो आपको सब बात समझ में आ गई ना। अच्छा देखो आशुतोष, हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, आपका क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कितने होंगे, वो हमें अगर पता नहीं है तो हम क्या करेंगे। देखो क्वेश्चन में हमें क्लियरली मेंशन रहता है कि उसकी एच की वैल्यू क्या होगी, वो डायरेक्टली आपको एच की वैल्यू इज इक्वल टू 1 बोलेगा, या फिर ऐसे बोलेगा कि ईच ऑफ लेंथ 1। तो इससे आपको समझ में आ जाता है ना कि ईच इंटरवल की लेंथ जो भी होगी वो 1 ही होगी। तो आपको क्या करना है, हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, 1 + 1, सबसे पहले 1 थी तो हमने क्या किया, 1 + h, मतलब 1 + 1, 1 + 1, तो वो 2 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट 3 है, तो इसी का मतलब क्या हुआ, और कोई सब इंटरवल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 2 + h, मतलब ही 2 + 1, तो यहाँ पे 3 आया। और यहाँ पे अगर 3 आया और मेरे लास्ट की वैल्यू लिमिट की वैल्यू 3 है, तो इसी का मतलब क्या हुआ, मेरे एक्स की वैल्यू 1, 2 और 3 बन जाएगी, ओके। बात क्लियर हो गई। देखो हमारा जो भी ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन्स 1/3 और सिम्पसन्स 3/8 रूल होता है, इसमें हमें क्या करते हैं, देखो ट्रेपेजॉइडल रूल में नेसेसरी नहीं है कि एच इक्वल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ओके। ट्रेपेजॉइडल रूल में एच के जो भी इंटरवल्स होते हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। सिम्पसन्स 1/3 रूल में एच हमारे हमेशा इक्वल ही होते हैं, ओके, ये बात आपको याद रखनी है। सिम्पसन्स 1/3 रूल में एच की वैल्यू हमेशा इक्वल ही होती है। और सिम्पसन्स 3/8 रूल में हम एच की वैल्यू कुछ इस प्रकार लेंगे कि वो 3 × h के फॉर्म में आएगा, ओके, मतलब वो मल्टीपल ऑफ 3 ही होना चाहिए, ओके। देखो सिम्पसन्स 3/8 रूल है ना, इसके ऊपर आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गई है, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा वरी करने की कोई नीड नहीं है, ओके। आपको बस ये चीज़ें याद रख लो। अब इसके आगे तो आप सॉल्व कर सकते हो ना। देखो सिम्पसन्स 1/3 रूल है, तो सिम्पसन्स 1/3 रूल जब भी आता है तब आपको कौन सा नंबर याद रखना है, 1, 4, 2, 1, ओके। तो आप इसके आगे सॉल्व कर सकते हो क्या, ट्राई करो एक बार। ये साचितोष करेक्ट आंसर, क्या बाकी लोगों का भी आंसर आ गया, यह सॉल्व करके दिखाना है, जल्दी बताओ। जी संदीप सही सही, 1.11 सही आंसर है।
यस अजय सही, ओके तेजराम ठीक है ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो हमारे क्वेश्चन नंबर फोर में हमें क्या बोला गया है, टॉर्क एग्जर्टेड ऑन अ फ्लाईव्हील ओवर ए साइकिल इज लिस्टेड इन द टेबल, हमें यहाँ पे कुछ टेबल में इसकी वैल्यू दी गई है। ओके यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे टॉर्क कितना एग्जर्ट हुआ है उस डिग्री पे, वो उसकी वैल्यू दी गई है। और हमें क्या पूछा है, फ्लाईव्हील एनर्जी इन जूल पर यूनिट साइकिल यूजिंग सिम्पसन्स रूल इज वॉट। ओके तो हमें यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एंगल इन डिग्री, इसी का मतलब क्या हुआ, ये हमें एक्स की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे उसके टॉर्क की वैल्यू जो भी दी गई है उसी का मतलब क्या हुआ, ये हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है। ओके इसी का मतलब क्या हुआ, देखो एग्जामिनर हमें कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन भी बना के देना, लेकिन हमें तो पता है कि इसका सिम्पसन्स रूल यूज करके हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू पता है और मुझे एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू पता है, और देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की फर्स्ट वैल्यू जीरो है ना, तो यहाँ पे हम y जीरो आएगा, यहाँ पे y वन y टू y थ्री y फोर y फाइव और y सिक्स। ओके अब देखो सिम्पसन्स वन थर्ड रूल यूज कर सोल्व, आप इसे सॉल्व कर सकते हो ना, हमारे इसका फॉर्मूला क्या होता है, h बाई थ्री इंटू वाई जीरो प्लस फोर टाइम्स ऑड टर्म्स वाई वन वाई थ्री वाई फाइव, मतलब ही वन जीरो सिक्स सिक्स प्लस जीरो माइनस थ्री फिफ्टी फाइव। ओके प्लस टू टाइम्स इवन टर्म्स, इवन टर्म्स कौन सी है, वाई टू वाई फोर, मतलब ही माइनस थ्री टू थ्री प्लस थ्री टू थ्री प्लस वन इंटू लास्ट टर्म, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ओके और हमारे एच की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दी गई है, जीरो टू सिक्सटी डिग्री, जीरो टू सिक्सटी डिग्री। तो देखो हम यहाँ पे डिग्री में तो नहीं लिख सकते ना, तो जीरो टू सिक्सटी डिग्री, यहाँ पे सिक्सटी टू ट्वेंटी, मतलब ही क्या सब इंटरवल की हमारी वैल्यू क्या है, सिक्सटी डिग्री। ओके और सिक्सटी डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई बाई थ्री। ओके तो एच की वैल्यू हमारी पाई बाई थ्री बन जाएगी। तो इसके आगे हमारा क्या होगा, देखो एच की वैल्यू पाई बाई थ्री आ गई इंटू वन बाई थ्री, y0 की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 4 इंटू, आप इसे आगे सॉल्व करके देखो, हाँ आशुतोष आई थिंक आप थोड़ा वीडियो को लेट देख रहे हो। ओके देखो जब भी हमें सिम्पसन्स रूल बोला जाता है तो उसका डायरेक्टली मीनिंग सिम्पसन्स वन थर्ड रूल होता है। ओके जब तक हमें सिम्पसन्स थ्री बाई एट रूल नहीं बोला जाता तब तब हम थ्री बाई एट रूल को यूज़ नहीं करेंगे। ओके और अगर आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करो तो आपको थ्री बाई एट रूल के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ओके ये सजय 993 करेक्ट आंसर है, इसका आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। ओके अगर आप इसे सॉल्व करो तो इसका आंसर आपका 993 बन जाएगा, ये बात आपको क्लियर हो गई। नहीं संदीप ये लेंदी कैलकुलेशन नहीं है, देखो यहाँ पे माइनस थ्री टू थ्री और यहाँ पे प्लस टू थ्री टू थ्री है, मतलब ये यहाँ पे जीरो बन जाएगा ना, तो आपको बस इसी को सॉल्व करना है। ओके 1066 माइनस 355 को ही आपको सॉल्व करना है। तो ये लेंदी कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सिंपल वाला है। और अगर आप ऑप्शन में देखो तो देखो यहाँ पे 500 कुछ है, यहाँ पे 1000 के आसपास है, यहाँ पे 1500 के आसपास है और यहाँ पे 2000 के आसपास है। इसी का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको सॉल्व करते वक्त अगर अप्रोक्सीमेशन भी मान लो, अगर इसे आप अप्रोक्सीमेट भी कर दो तब भी आपका आंसर लगभग आ ही सकता है। ओके देखो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5, आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको ये आ जाएगा, सिंपल वाला है।
आशुतोष आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ट्रिपल इंटीग्रेशन में लेंथ भी आप हाँ संदीप लेने वाले हैं। हाँ 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 ट्रिपल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन भी होने वाला है, मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर होने वाला है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया था, द एस्टिमेट ऑफ इंटीग्रेशन dx बाई x फ्रॉम लिमिट 0.5 टू 1.5 ऑब्टेंड यूजिंग सिम्पसन्स रूल विथ 3-point फंक्शन इवेल्युएशन एक्सिट्स द एग्जैक्ट वैल्यू बाय। ओके तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, 3-point फंक्शन। देखो इसके पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको जो भी थ्योरी बताई थी ना वो इसी के लिए बताई थी, क्योंकि एग्जामिनर आपको कितना भी घुमा फिरा के पूछे ना, लेकिन हमने तो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट देख ली है। तो आपको अगर ये यहाँ पे 3-point फंक्शन बोला गया है तो इसी का मतलब क्या हुआ, मान लो कि मेरे पास कोई इस प्रकार का फंक्शन है, तो 3-point फंक्शन का मतलब क्या होता है, 1, 2 और 3। मान लो कि मेरे पास ऐसे कोई 3 points बन जाते हैं जिससे मेरा पूरा कर्व कवर हो सकता है। ओके तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे हमें वैल्यू क्या दी गई है, 0.5 और लास्ट वाला पॉइंट क्या है, 1.5। अब देखो 0.5 और 1.5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1। ओके 1.0 का 0.5 और 1.5 के बीच में डिफरेंस है, लेकिन मुझे इक्वल सब इंटरवल्स बनाने हैं ना, वो इक्वल सब इंटरवल्स कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं, तो 1.0 अपॉन 2 में कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.5। तो इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरे h की वैल्यू 0.5 बन जाएगी, तो 0.5 प्लस 0.5 यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.5। ओके तो इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरी सब इंटर की वैल्यू 0.5 ही होगी। ओके ये बात आपको समझ में आई। देखो हमने 2 से क्यों डेयर किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे इक्वल नंबर ऑफ 2 ही सब इंटरवल्स बन रहे हैं ना, यहाँ पे एक बना इसे हम एक नंबर 1 बोलते हैं और यहाँ पे एक दूसरा बना, यहाँ पे 2 सब इंटरवल्स बन रहे हैं ना, इसीलिए हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया। ओके और देखो इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, बी माइनस ए अपॉन एन। ओके तो इसमें बी का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इक्वल सब इंटरवल्स। ओके ये हमारा एच का बेसिक फार्मूला है। अब बताओ आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। ओके यहां पे देखो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मान लो मेरे पास कोई इस प्रकार का फंक्शन है, यहां पे मेरा ए है, यहां पे मेरा बी है, और मेरे यहाँ पे 1, 2 लाइक वाइज यहाँ पे n है। ओके और अगर मुझे यहाँ पे h की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये लेंथ ऑफ इच सब इंटरवल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली वैल्यू b माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू a अपॉन नंबर ऑफ इक्वल सब इंटरवल्स, तो यहाँ पे n है ना, तो यहाँ पे n आ जाएगा। ओके इस बात को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम इसे अब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, h बाई 3 इंटू 1 इंटू वाई जीरो प्लस 4 इंटू, ओके तो हमें x और f ऑफ x का हमने टेबल ही नहीं बनाया, x और यहाँ पे f ऑफ x आएगा, x की वैल्यू 0.5, उसके बाद 1.0 और उसके बाद 1.5। ओके अगर मैं x की वैल्यू 0.5 रख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2। ओके उसके बाद यहाँ पे अगर 1 रख दूँ तो यहाँ पे 1 बनेगा, और 1.5 रख दी तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1.3/2 मतलब 2/3। अब देखो 4 × 1 प्लस 1 × 2/3 और यहाँ पे h की वैल्यू क्या थी, 0.5 अपॉन 3 × 1 × y0 यहाँ पे y0 होगा, यहाँ पे y1 होगा और यहाँ पे y2 होगा, 1 × 2 यहाँ पे 2 प्लस 4 × 1 4 प्लस 2/3 × 1
मतलब 0.667। ओके, अगर आप इसे सॉल्व करो तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? टू प्लस फोर सिक्स, 6.667 अपॉन 1/6, मतलब ये 1.111 इसके आसपास ही बनेगा। नहीं, यहाँ पे कुछ गलती कर दी हमने। एक सेकंड, मैं ऑप्शंस को एक बार चेक कर लेता हूँ। हमने कहाँ पे कुछ गलती कर दी क्या? अच्छा, सॉरी, देखो हमने यहाँ पे सिम्पसन्स वन थर्ड रूल यूज़ करके ये वैल्यू निकाली, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द इवैल्यूएशन एक्सीड्स द एग्जैक्ट वैल्यू बाय। तो इसी का मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी गई है उसकी एक्चुअल वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और हमें देखना पड़ेगा कि सिम्पसन्स रूल से हमने जो भी वैल्यू निकाली है वो कितनी ज़्यादा है। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आया ना? अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे सिम्पसन्स रूल को यूज़ करके हमारी ये वैल्यू आई, लेकिन हमें उसका देखना पड़ेगा कि इसके एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, 0.521 upon x dx। अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या बनेगा, log 2 बेस e x, यहाँ पे 0.52 1.5, तो ये क्या बनेगा, ln 1.5 माइनस ln 0.5। ओके, अगर आप इसे सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आती है 1.0986। ओके, देखो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन हमारी सिम्पसन्स रूल को यूज़ करके हमारी वैल्यू क्या आई थी, 1.111, और हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 1.0986। ओके, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 0.01256। ओके, तो इसी का मतलब क्या हुआ, हमारी सिम्पसन्स रूल से इतनी वैल्यू ज़्यादा आई, मतलब ही क्या हुआ, इतना हमारा एरर है। ओके, तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो 0.012, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अब बताओ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जिससे मुझे भी समझ सकता है कि इसे और एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है। ओके, ईशिका, संदीप, अजय, ओके, हाँ ठीक है। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है ना? देखो इसमें हमें ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन्स रूल, इन दोनों टाइप के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब आप क्या करो, आप सिर्फ हमें ये बताओ कि आज का हमने जो भी लाइव वीडियो बनाया ये एक्चुअल हमने
एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए बनाया था, हमें देखना था कि लाइव वीडियो हो सकता है या नहीं हो सकता। स्टार्टिंग में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था कि बीच में नेट का स्पीड कम हो गया था, इसलिए वो बंद हो गया था। तो आप हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताओ जो आपको आज के वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगा, क्योंकि अगर हम आगे फ्यूचर में कब लाइव वीडियो लेना चाहे तो उसे रेक्टिफाई कर सकें। जी अजय, हम वो करने वाले, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि वो वीडियो मेकिंग एंड वीडियो प्रोसेसिंग में हमारा ज़्यादा टाइम जा रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, देखो वीडियो बनाना इजी होता है लेकिन उसको प्रोसेस करना, फिर उसको अपलोड करना, उसमें ज़्यादा टाइम जाता है। इसलिए आज हमने सोचा कि अगर हम लाइव वीडियो बना देते हैं तो हमारा वो टाइम बच सकता है। ओके, और हाँ, हम मैकेनिक्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। अगर आपने प्रीवियस ईयर अगर एनालिसिस किया होगा तो आप देखोगे कि अगर आपने सिंपल से भी थ्योरी क्वेश्चन जो भी हमें सिलेबस में इंक्लूड है बस उसी को भी अगर आपने अच्छे से कवर किया तो आप 10 में से 10 ने एक्चुअली 14 मार्क को आता है ना, 14 मार्क्स के लिए मैकेनिक्स आता है, जैसे आप 10 क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे कोई नीड नहीं है कि आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस से सॉल्व करना है। जो भी डिफिकल्ट हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं अगर उन्हें भी आप नहीं सॉल्व करो फिर भी आप आराम से 10 क्वेश्चंस को तो सॉल्व कर ही सकते हो। यस संदीप, थैंक यू। ठीक है, और कुछ क्वेरी है क्या आप लोगों की? ठीक है, फिर इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यस विद्यासागर, ये आपको अभी अभी जैसे ही हम इसको एंड कर देंगे तब आपको ये सब लाइव मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा, लेकिन क्योंकि क्या हुआ था ना, जब हमने वीडियो शुरू किया था तो वो नेट के बफरिंग के प्रॉब्लम से मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था कि वीडियो अच्छा होगा या नहीं होगा, लेकिन ठीक है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ओके,